गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट जो भी रिपीटर्स बैच के बच्चे हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स ये ओपन ओरिएंटेशन सेशन है। ओपन ओरिएंटेशन सेशन किसके लिए? फॉर रिपीटर्स स्टूडेंट। नाउ व्हाट इज दिस रिपीटर्स स्टूडेंट? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब अपन ऑनलाइन लगाते हैं तो बच्चे दूसरे कोर्स के भी आ जाते हैं। तो बच्चों याद रखना, ये जो ओरिएंटेशन सेशन है दिस इज फॉर व्हाट? 12th पास बायोलॉजी स्टूडेंट। किन के लिए है ये? 12th पास बायोलॉजी स्टूडेंट, क्लियर? जिन्होंने अभी नेट दिया है और नेट के अंदर जिनके कम मार्क्स आए हैं, और जो बच्चे नेट के अंदर अपने नेक्स्ट ईयर मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, क्लियर? तो जो बच्चे जिनको बेसिकली इंटरेस्टेड होता है, जैसा जीतू सर ने बताया था लास्ट टाइम पे, दोस जो रिपीटर्स एक्चुअल में गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना चाहते हैं नेट के अंदर, तो जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज लेना है बच्चों, वो वापस रिपीट कर सकते हैं। जिनके मार्क्स कम आए हैं, जिनको इस साल कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, either it is a government college or it is GMERES or it is management or self finance, कोई भी कोटा में अगर नहीं मिलता तो वो भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्लियर? सो ये बच्चों ओरिएंटेशन फॉर रिपीटर्स बैच, ओपन ओरिएंटेशन फॉर रिपीटर्स बैच नेट 2021 बच्चों नेक्स्ट ईयर के लिए 2021 का जो ओरिएंटेशन है उसके लिए है। ये जीतू सर है, क्लियर? is a very good faculty in physics, clear? और बच्चों इनकी physics अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको physics के अंदर फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। Good afternoon all. अभी अपन start कर रहे हैं, it's an open orientation for the repeater batch. अभी सबसे पहले अपन overview लेते हैं, who should join the repeater batch, क्या मुझे? अब सबसे पहला question बच्चों का यहाँ पे इंडिया में आता है, काफी सारे बच्चों ने हम लोगों से inquiry की है, मुझे रिपीट भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस वे में मुझे रिपीट करना चाहिए, ये मेरे कितने मार्क्स हो तो मैं रिपीटर के लिए एलिजिबल हूं, या मेरे मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया क्या होने चाहिए फॉर द रिपीटर बैच। तो आज अपन इन सब चीजों का डिस्कशन करेंगे, क्लियर? तो अपन स्टार्ट करते हैं, इट्स एन ओपन ओरिएंटेशन फॉर द रिपीटर बैच जो कि नेट 2021 देने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट इज योर ओवरव्यू, रिपीटर किन किन को ज्वाइन करना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं रिपीटर में हाइलाइटेड है, क्या क्या आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद है रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टडी टाइम, स्टडी अवर्स कितने होने चाहिए अगर मुझे एज अ रिपीटर स्टूडेंट मुझे बनना है, रिपीट करना है मुझे, क्लियर? फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी जो अभी हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस वे में यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन अकेडमिक प्लानिंग है आपका, कितनी क्लासेज होंगी, क्या फ्रिक्वेंसीज होंगी, टेस्ट कितने होंगे, किस टाइप से टेस्ट होंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एन पेरेंट्स रोल, कि पेरेंट्स को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है अगर बच्चा आपका रिपीट करता है तो आई थिंक काफी सारे बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं, बाकी बच्चे भी जो भी अपना फ्रेंड सर्कल है उनको ये लिंक शेयर करें, जितना जल्दी हो सके शेयर करें, ताकि जितने ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही मजा आएगा बच्चों, ध्यान रखना है। और ऑलरेडी काफी सारे बच्चे रिपीटर बैच हमारा ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनके लिए भी सेशन है बेसिकली, एंड इट्स एन ओपन सेशन ऑल्सो, जिसमें आपको दो मोड अभी हमारे साथ जुड़ने के बताए जाएंगे, एक आपका फ्री मोड है और एक आपका यहाँ पे पेड मोड है, दोनों के यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद एन ओवरव्यू ऑफ अ रिपीटर ऑफ निट 2021। अभी तक आप लोग आंसर कीज वगैरह सब चेक कर चुके होंगे, अप्रोक्सीमेटली आपके मार्क्स आ चुके हैं, क्लियर? मार्कशीट आना बाकी, आपका रिजल्ट आना बाकी है, बट आपका आपके निट के आंसर कीज से आपके मार्क्स आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सबसे पहली क्वेश्चन आती है मन में आपके ऊपर, दैट इज योर हु शुड रिपीट, कौन से बच्चे हैं जिन्हें रिपीट करना चाहिए ताकि नेक्स्ट ईयर उनको अपने ड्रीम कॉलेजेस मिल पाए। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं बच्चों, जो ऑलरेडी अपन लास्ट वेबसाइट लास्ट डिस्कशन के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर गवर्नमेंट कोटा लेना है, और ये सिर्फ जो अपन रिपीटर बैच की डिस्कशन कर रहे हैं, ये अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं गुजरात को लेके, स्पेशली गुजरात के बच्चे किस मार्क्स पे रिपीट करें उन सबका अपन डिस्कशन कर रहे हैं।
तो गुजरात कोटा की अगर गवर्नमेंट सीट्स की बात करी जाए तो लास्ट ईयर का डेटा है बच्चों, ये 523 मार्क्स पे लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज आपका भर गया था और इसकी जो फीस होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.25 लाख रुपए होती है, 25,000 रुपए पर ईयर आपका फीस है गवर्नमेंट कॉलेज के कॉरेस्पॉन्डिंग। और यही चीज अगर अपन GMERS लेते हैं क्लियर, तो 464 GMERS अगर अपन लेते हैं तो 464 आपका लास्ट ईयर के मार्क्स गए थे और इस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है करीबन 18 लाख रुपए। तो टोटल आपकी जो MBBS है वो 18 लाख की पड़ती है अगर GMERS लेते हैं। GMERS में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 18 लाख रुपए है, मार्क्स है आपके 464। इसी की जगह अगर GMERS में मैनेजमेंट कोटा लेते हैं 419 मार्क्स पे लास्ट ईयर गया था, इसमें 37 लाख आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। SFI अगर लेते हैं तो लगभग 35 से 37 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, लास्ट ईयर 406 मार्क्स पे गया था और मैनेजमेंट कोटा 295 पे गया था। बट इसमें पैसे देख सकते तो इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली, 75 लाख है ये। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको कि अगर आपको ये सब इसलिए डिस्कशन किया जा रहा है कि इस साल के जब मेरे मार्क्स आए हैं वो क्या मेरे ड्रीम कॉलेज के करस्पॉन्डिंग आए हैं या नहीं आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो क्वेश्चन आता है कि मुझे रिपीट करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास यहाँ पे जाए तो हम लोग इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि इस पे नहीं जाए। हमारी इच्छा होती है कि बच्चा जब भी प्रिपरेशन करे तो ज्यादा बेटर है कि जितनी हो सके उतनी मेहनत करे और गवर्नमेंट कॉलेज ले। क्लियर, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इस साल 20 नंबर और आगे जाने की आशंका है तो वो चीज ध्यान रखना है। तो करीबन 540 पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज इस टाइम मिलेंगे, क्लियर, जो कि 1.25 लाख रुपए की MBBS के करस्पॉन्डिंग होंगे। अब आता है अगर GMERS तक है, गवर्नमेंट कोटा तक है तो वहां तक बच्चे ले सकते हैं, बट यहाँ पे भी कुछ सिटी कंस्ट्रेंट आ जाते हैं। मान लो गर्ल कैंडिडेट है और किसी को अहमदाबाद बड़ोड़ा या सूरत से बाहर नहीं जाना है, किसी को जामनगर मिलता बट नहीं जाना है, तो वो बच्चे भी रिपीट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं मोड बता रहा हूँ कौन कौन से बच्चे रिपीट करते हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा साउंड नहीं है, या फिर उनको ऐसा है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज क्योंकि बेस्ट होते तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको करीबन 550 मार्क्स की जरूरत होती है, तो वो बच्चे रिपीट करते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है। फिर उसके बाद कुछ बच्चे हैं जो GMERS में सेटल आउट होते हैं, बट यहाँ पे भी कुछ बच्चे ऐसे रिपीट करते हैं। मान लो बड़ोड़ा का स्टूडेंट है बट बड़ोड़ा से बाहर नहीं जाना है तो फिर से वो रिपीट कर सकता है अगर उसको बड़ोड़ा के कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं। क्लियर, फिर मैनेजमेंट कोटा है, मैनेजमेंट कोटा में भी अगर आपका सेटलमेंट नहीं होता है देन रिपीट कर सकते हैं। अब अपन आते हैं कि अगर आपके ड्रीम कॉलेजेस नहीं बनते हैं तो एज पर द स्टूडेंट्स व्यू और पेरेंट्स व्यू जो हमें मिले हुए हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट हर साल, तो इस साल किस नंबर पे आपको रिपीट करना चाहिए उसको देखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। क्लियर, तो दिस इज जस्ट अ सिनेरियो। गवर्नमेंट कॉलेज ये ओपन कैटेगरी है, ये SC/BC कैटेगरी, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी का यहाँ पे बाइफर्केशन किया हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज में 523 मार्क की जरूरत है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज GMERS में 464 की जरूरत है और सेल्फ फाइनेंस के अंदर 419 की जरूरत है। अगर इनमें से कोई मार्क्स अपने नहीं आते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अगर 300 से 350 मार्क्स जनरल कैटेगरी के हैं तो वो बच्चा रिपीट कर सकता है। ध्यान रखें जनरल कैटेगरी में से 300 से 350 मार्क्स अगर मेरे हैं और अगर मैंने प्रॉपरली अपना इनपुट नहीं दिया है तो इस साल आप अपना इनपुट इंक्रीज कर सकते हैं। आगे अपन उसका भी डिस्कशन करेंगे कि कितना मैं इनपुट दूंगा तो मेरा कितना आउटपुट जनरेट होगा, मतलब मुझे मिनिमम कितना स्टडी आवर्स देने होंगे एज अ रिपीटर स्टूडेंट और रिपीट करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी मोटे तौर पे देखें तो आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं और ओपन कैटेगरी के हैं, अगर आपके 300 से 350 के मार्क्स हैं तो आप उससे ज्यादा मार्क्स है तो आप रिपीट कर सकते हैं। ध्यान रखना है अगर लगभग 300 मार्क्स इससे ज्यादा नीचे हैं तो आपको रिपीट नहीं करना चाहिए। ओपन कैटेगरी में अगर आप 300 से भी कम मार्क्स है क्लियर तो रिपीट नहीं करना चाहिए। SC/BC की अगर अपन बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 300 मार्क्स से थोड़े ज्यादा अगर आपके हैं क्लियर, यहाँ पे अपन थोड़ा क्राइटेरिया ले सकते हैं। लास्ट ईयर के कुछ ऐसा डेटा देखने को मिले हैं SC/BC कैटेगरी के थे और करीबन 300 से भी कम मार्क्स थे, 280 के लगभग मार्क्स थे बट उन्होंने फाइट किया और इस साल उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपन लगभग 300 या 280 मार्क्स के लगभग ले जा सकते हैं। अगर अपन SC कैटेगरी से हैं तो अगर 250 के लगभग मार्क्स है तो अपन रिपीट कर सकते हैं प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ST कैटेगरी में अगर अपने 200 मार्क्स है तो अपन रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आपको अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे प्रोवाइडेड आप प्रॉपरली पढ़ें और आप प्रॉपर मेंटर के साथ पढ़ें, जो बोला जाता है वैसा वैसा आप स्टडी करें। तो यहाँ पे अपन ने डिसाइड किया है
कि अगर मैं ओपन कैटेगरी का हूं और 300 350 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली मेरे आ रहे हैं तो मुझे रिपीट करना चाहिए। एसईबीसी है लगभग 300 मार्क्स या 280 के लगभग आ रहे हैं तो मुझे रिपीट करना चाहिए। अगर एससी कैटेगरी के हैं 250 के लगभग मार्क्स आ रहे हैं तो अपन को रिपीट करना चाहिए, और एसटी कैटेगरी में है लगभग 200 के मार्क्स आ रहे हैं तब भी अपन को रिपीट करना चाहिए। इससे आपको एक पेरेंट्स को और बच्चों को एक ओवरव्यू मिलेगा कि मेरे कितने मार्क्स इस साल आ रहे हैं, मैं कौन सी कैटेगरी का हूं, मुझे रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फॉर माय ड्रीम कॉलेजेस। नाउ नेक्स्ट आते हैं अपन बेनिफिट्स ऑफ अ रिपीट अ बैच। तो एक सिंपल सी चीज है कि मेरे को ड्रीम कॉलेजेस थे बट बिकॉज ऑफ सम सर्टेन रीजंस, अब की बार कोविड का भी प्रॉब्लम हुआ, बार बार आपका एक्सटेंशन हुआ एग्जाम का, फिर आपके जो बच्चे ट्वेल्थ में है उनका ट्वेल्थ भी अगर होता है तो ट्वेल्थ के रिलेटेड भी आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, आपको बोर्ड का प्रेशर होता है, तो ये सब चीजें होती है जब आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं और नेट को फोकस नहीं कर पाए और किसी भी कारण से आपके मार्क्स, इन सब कारणों में से किसी एक कारण से आपके मार्क्स खराब हो गए। सपोज करते हैं अगर ऐसा कंडीशन आपके पास डेवलप हो गया है तो एक रिपीटर बैच एक ऐसा गोल्डन चांस होता है बच्चों। एक साल रिपीट करने में ऐसा कुछ काउंट नहीं होता है, क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपन उससे कभी ये नहीं पूछते कि आपने कितने साल में एमबीबीएस किया या आपने रिपीट किया था या नहीं किया था। फिर अपन इसी के बाद नेक्स्ट ये भी देखेंगे कि नेशनल लेवल पे जब बच्चे एमबीबीएस करते हैं तो कितने बच्चे उसमें से रिपीटर होते हैं और कितने बच्चे उनमें से फ्रेशर होते हैं। फ्रेशर का मतलब होता है जो 12th के साथ सेलेक्ट हो जाते हैं, रिपीटर का मतलब होता है जो ड्रॉप करके 12th के बाद चैन से बैठते हैं, ड्रॉप करते हैं और नीट का एग्जाम देते हैं। कुछ बच्चे एक साल रिपीट करते हैं, कुछ बच्चे दो साल रिपीट करते हैं। कोटा के अंदर जहां से हम बिलोंग करते हैं वहां पे ऐसा देखा गया है कि बच्चे तीन तीन चार चार साल तक भी रिपीट करते हैं अपने ड्रीम कॉलेज के लिए। इनफैक्ट ऐसा भी देखा गया है कि किसी की 500 रैंक आ गई ऑल इंडिया बट वो अंडर 10 के लिए फाइट कर रहा, वो भी रिपीट करता है। तो बहुत सारी कैटेगरी है बच्चों की रिपीट करने की, बट अभी अपन एक लॉजिकल यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, लॉजिकल डिस्कशन कर रहे हैं कि लगभग कितने मार्क्स होने चाहिए मेरे गुजरात में तो मेरे को रिपीट करना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे आपको रिपीटर बैच के इनसाइड एक आप अपने ड्रीम कॉलेज को ले सकते हैं, अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, आपके जो भी टॉपिक बहुत खराब रह गए थे या नहीं पढ़ पाए थे किसी कारण से उस पर भी आप थोड़ा सा यहाँ पे वर्क इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसा जीतू सर ने बताया बच्चों, कौन बच्चा रिपीट करना चाहता है, जिसके 12th की वजह से मार्क्स कम हो गए हो, बोर्ड की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड हो इसलिए मार्क्स कम हो गए हो, पहला वो। सेकंड वो जिसको अपना ड्रीम कॉलेज लेना हो लेकिन उसके इतने मार्क्स नहीं आए, जिसको ड्रीम कॉलेज मिलने वाला है उसको उस मार्क्स पे, वो रिपीट कर सकता है। जिसको मेहनत करके किसी हायर कॉलेज के अंदर जाना है कि नहीं सर मेरे को तो यही पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर जाना है, वो रिपीट कर सकता है। जिसको ऐसा लगता है कि मेरा जब मैं नीट का पेपर देने गया तो मेरा माइंड अच्छा नहीं था, मेंटली मैं स्टेबल नहीं था, कहीं ना कहीं मेरी कमी रही, पूरे साल मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, मैं इस साल पढ़ाई करूंगा, तो ये जिस भी इस तरह की जो कैटेगरीज है बच्चों जिनको ऐसा लगता है उन बच्चों को रिपीट करना चाहिए, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि वो हायर जो आपके पैसे वाली जो आपके मेडिकल कॉलेज है उसको ले पाए, तो लोअर फीस जिनकी जो अफोर्ड कर सकते हैं कि साहब हम तो लोअर फीस के अलावा जा ही नहीं सकते, जो भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं, सो यू कैन अफोर्ड, यू कैन रिपीट। क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज स्टूडेंट। कुछ बच्चे ऐसे भी थे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके आंसर की गलत है, पूरे अच्छे चले, बढ़िया से अच्छे रैंक्स आए उनके, पूरे साल उन्होंने दो तीन साल अच्छे से मेहनत करी बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस पेपर के अंदर कुछ वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी उन्होंने, जैसे मान लो किसी की आंसर की शिफ्ट हो गई है, आंसर पूरे शिफ्ट हो गए हैं, या वहां पे मेंटली इम्बेलेंस हो गया, या किसी कारण से पेपर रिपीट मतलब आपका पेपर इनकम्प्लीट आया, फिर उसको आपको वापस से पेपर लेने के अंदर मतलब आप कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि जैसे मान लो पेपर जो आया वो मिसप्रिंटेड आया, अगर आपने दिया एग्जामिनर को मिसप्रिंटेड को रिप्लेस करने के लिए उसमें मान लो आधा पौना घंटा चला गया आपका, तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस है जहां पे आप काबिल तो थे डॉक्टर बनने के बट बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस आप नहीं है आज उस लाइन में, तो आप रिपीट कर सकते हैं, ध्यान रखना। और बच्चों अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ये मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एमबीबीएस स्टूडेंट और मैंने भी एमबीबीएस किया हुआ, तो मैं बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आप एक साल रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक या दो साल अगर आप इवन एक साल अगर आप रिपीट करते हो बच्चों बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उस एक साल रिपीट के बाद अगर आप कॉन्फिडेंट हो, इफ यू आर मेंटली कॉन्फिडेंट कि सर मैं कर दूंगा, मैं सेलेक्ट कर लूंगा, मेरा रैंक बनेगा, मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर फाइनली एंटर करूंगा, तो बच्चों आप ये याद रखना कि उस एक साल के बाद जब आप 5.5 साल का डिग्री पास करके निकलोगे तो आपके सामने एमबीबीएस लगा होगा, और एमबीबीएस जब लगता है ना बच्चों तो उसका जो फीलिंग होता है ना अंदर से दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। क्लियर? इसमें कोई दोराय नहीं है बच्चों।
और वैसे भी आप देख रहे हो जो डॉक्टर्स है दे आर वॉरियर्स नाउडेज, तो इम्पोर्टेंट ये बच्चों जिसको भी रिपीट करना है क्लियर वो रिपीट कर सकते हैं. Now, next is your as a repeater you have to work on the following area. मतलब अगर मैं repeat करता हूँ तो अब मुझे वो गलतियां नहीं करनी है जो मैंने 12th के साथ करी थी, या फिर मैं कहीं पे suppose करो किसी एक सी जगह पे drop ले रहा था, अब मैं proper जगह पे अगर drop लेता हूँ तो मुझे क्या mistakes नहीं करनी है, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बस प्रकाश डालेंगे. तो first is prepare with a full energy and dedicate decide a specific goal. Prepare with a full energy and decide a specific goal. इस साल मेरा goal एकदम fix होना चाहिए, मुझे कहाँ तक पहुँचना है, मुझे क्या करना है, और full energy के साथ बच्चों तैयार हो जाना है, ध्यान रखना है. और हमेशा energy का मतलब होता है अभी तक क्या किया उसको छोड़ देना है, अभी तक life में अपने क्या किया उसको छोड़ देना है. Clear? You are already full of energy. अब मुझे पूरा का पूरा energy मुझे focus करना है, concentrate करना है, converging lens की तरह converge करनी है अपनी energy और एक point पे लगा देनी है और एक goal decide करना है अपना कि मुझे नेट में इतने marks लेके आने, ध्यान रखना है. The first is your full energy concentration आपको बनानी है. Then second one is choose the good coaching institute or either teachers or either your mentors. जरूरी नहीं है कि कोई भी coaching आप join करें, आप coaching join करें but अच्छा coaching join करें, ध्यान रखना है केवल ad देख के नहीं जाना है. Clear? कई सारी माल प्रैक्टिशनिंग होती रहती है तो आपको प्रॉपरली देखना है कि मेरे यहाँ का है बच्चा या नहीं है, बच्चों से आप बात करो कैसे पढ़ाया जाता है उन कोचिंग पे वो बात करो, टीचर्स को देखो काफी टाइम से वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं वो चेक करो, फ्रिक्वेंटली कोई चेंज होता है नहीं होता है वो चीज चेक करो. इट मीन्स आपको एक कुछ अच्छे टीचर्स की, कुछ अच्छे गाइड्स की, कुछ अच्छे मेंटर्स की जरूरत होती है जो मेरे अपडाउन्स को पूरी लाइफ संभाल सके. क्लियर? जितना भी मेरी लाइफ जो आपकी यहाँ पे एक साल है या दो साल जब भी आप पढ़ाई करने वाले हैं उस पूरे पीरियड में काफी सारे अप और डाउन होते हैं, कोई ना कोई ऐसा टीचर या मेंटर आपके पास होना चाहिए जो उन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करे और उसको आपको प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करके आपके रिजल्ट में हेल्प करे. तो नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन इज अ फुल एनर्जी, आपका एक प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए. क्लियर? एक आपका प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए, एक स्पेसिफिक गोल आपको डिसाइड करना है. देन नेक्स्ट वन इज अ गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट, गुड टीचर्स, गुड मेंटर्स, जो कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ाना है ऐसा नहीं बट जो नेट में आना है वो पढ़ाना है वैसा होना चाहिए. मुझे बहुत सारा पढ़ा दो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और मुझे मेरे मार्क्स आ जाए नेट में ऐसा पढ़ा दो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दोनों में चेंजेस हैं. क्लियर? देन स्टिक टू योर प्लान, जो भी आज मैं प्लान करता हूँ बार बार फ्लक्चुएशंस लाइफ में नहीं आने चाहिए, ध्यान रखना है. और इसी आदत की वजह से हो सकता है कि मेरा लास्ट ईयर आपका नेट रुक गया हो, कभी मैंने सोचा ये पढ़ लूं, कभी मैंने सोचा वो पढ़ लूं, कभी ऑनलाइन कुछ कर लूं, कभी ऑफलाइन कुछ कर लूं, कभी कोई किताब उठा ली, कभी कोई किताब उठा ली. अगर इस टाइप का फ्लक्चुएटिंग नेचर है तो उसको आपको चेंज करना होगा बच्चों. तो स्टिक टू योर प्लान्स, आप एक बार डिसाइड करो, एक दिन दो दिन बैठ के ध्यान से मनन करो मुझे क्या चाहिए, मेरे को कितना पढ़ना है, वो सब यहाँ पे बताया जाएगा. पेरेंट्स से आप डिस्कस करो, फैमिली पूरा प्रिपेयर होना चाहिए आपका, बट एक बार अगर प्रिपरेशन हो जाता है, एक बार माइंड सेटअप हो जाता है, देन स्टिक विद दैट पर्टिकुलर प्लान. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द फोर्थ वन इज फोकस ऑन योर वीकेस्ट सब्जेक्ट, फोकस ऑन योर वीकेस्ट सब्जेक्ट. जैसा कि बताया जाता है जनरली बच्चों में ऐसा पाया जाता है बाय वाले बच्चों की कि सर फिजिक्स बहुत कमजोर है मेरा, फिजिक्स क्यों कमजोर है, ये तो सबसे लॉजिकल होता है, इसमें तो कुछ रटने का नहीं होता है, बट डेप्थ इज इंपॉर्टेंट. और अगर डेप्थ होती है तो एक गाइड की, बहुत अच्छे गाइड की जरूरत पड़ती है. क्लियर? खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए बट अगर यहाँ से देखा जाए तो आप इस साल का रिजल्ट उठा के देखिएगा, थोड़े दिनों में रिजल्ट आने वाला है, आप फिजिक्स का रिजल्ट देखिएगा, जो हमारे यहाँ से हाईएस्ट परसेंटेज लाने वाला बच्चा है उसके सिर्फ फिजिक्स में मार्क्स देखिएगा आप. क्लियर? आज मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ वहां पे मार्क्स देखिए और चेक करिए कि इतनी डेप्थ कैसे क्रिएट होती है. तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? तो फोकस ऑन द वीकेस्ट एरिया ऑफ योर सब्जेक्ट, आप बहुत ध्यान से, जनरली फिजिक्स होता है तो कुछ बच्चों को हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इस साल आप ऐसा प्रण उठाएंगे कि मेरा जो सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था अगले साल मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा बच्चों. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज रिवाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट. इस साल एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरा छूट जाए, कोई वीक एरिया नहीं बचना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना है कोई भी वीक एरिया नहीं बचना चाहिए मेरे पास. देन लर्न हाउ टू मैनेज द टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कई बच्चों का एग्जामिनेशन के अंदर टेम्परामेंट डाउन हो जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं इनसाइड द एग्जाम. जब एग्जाम देने बैठते हैं तो ऐसा होता है मैं जब घर पे हूं तो मुझे सब कुछ याद आ रहा है, बट जब जब पेरेंट्स से वो बोलते हैं, जब जब मम्मी पापा मैं एग्जाम देने बैठता हूं तो मेरे एकदम से फॉर्मूला तक गायब हो जाते हैं. तो ये क्या प्रेशर है, इस प्रेशर को कैसे रूल आउट करना है, तो इस सबका यहाँ पे सॉल्यूशन मिलने वाला है. और इसका सॉल्यूशन होता है कि आपका मेंटर जो होता है वो बहुत स्ट्रांग मेंटर होना चाहिए,
जो आपको बहुत प्रॉपरली गाइड करे, और वो खुद सिलेक्टेड बच्चे होने चाहिए ध्यान रखना जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, जिनको पता हो कि इस पीयर प्रेशर से कैसे हैंडल किया जाता है, इन पीयर प्रेशर्स को कैसे हैंडल किया जाता है बच्चों, क्लियर। तो हाउ टू मैनेज द टाइम टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका इंप्रूव होता है जितने आप टेस्ट देंगे उससे इंप्रूवमेंट होगा ध्यान रखना है, और हर टेस्ट का एक एनालिसिस करना होता है जो जाके अपन आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज डोंट वेस्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, द डोंट वेस्ट टाइम इन टू मेनी रिसोर्सेज, डोंट वेस्ट टाइम इन टू मेनी रिसोर्सेज। आज जाके आप सिर्फ घर पे एनालाइज करिएगा कि अगर मेरा नेट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक सिर्फ चार्ट प्रिपेयर करिएगा, आपको क्या लगता है किस किस वजह से नहीं हुआ, मेरे पास टीचर्स नहीं थे, मेरे पास बुक्स नहीं थी, मेरे पास कोई पढ़ाने वाला नहीं था, या मेरा कोई मेंटर नहीं था, या मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने मेरा प्रॉपर इनपुट नहीं दिया है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है मैं बहुत सारे ऐड देख के इधर उधर भटक गया हूँ, कभी मैंने थोड़े दिन इस कोचिंग का पढ़ लिया, थोड़े दिन उस कोचिंग का पढ़ लिया, कभी कोई भी नेट से प्रिंट आउट निकाल लिया, कोई भी डाउनलोड कर लिया, कोई भी यूट्यूब चैनल देख लिया, क्या ऐसा तो नहीं है कि अपन बहुत सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके और सब चीजों को मैसअप कर दे रहे हैं और उससे रिजल्ट आपका भटक जाता है। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज भी थोड़ा सा आपको देखना है, बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं यूटिलाइज करने बच्चों, बहुत इजी एग्जाम होता है नेट का। यहाँ पे भी जो जीतू सर ने बताया बच्चों उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताऊं जो रेगुलरली यहाँ पे चलता है सिस्टम, क्योंकि मैंने भी नेट की तैयारी करी है। बच्चे जो नेट की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट ए का मटेरियल ले लिया, इंस्टीट्यूट बी का मटेरियल भी ले लिया, इंस्टीट्यूट सी का मटेरियल भी ले लिया, नेट से 2-3-4-5-10 टॉपर्स का सुना, उन्होंने जो बुक्स बोली वो भी परचेस कर ली, क्लियर। बच्चों एक चीज याद रखना, जब आप बहुत मल्टीपल रिसोर्सेज ले लेते हो, मल्टीपल रिसोर्सेज, मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि आप किसी भी एक बुक को अगर आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, एक बुक को भी अगर आप पूरा अच्छे से कर, कोई बच्चा पूरा एक बुक को कंप्लीट नहीं करता, कुछ चीजें छोड़ देता है। अपन बोलते हैं बायोलॉजी की एक्स बुक मैंने परचेस करी, वो एक्स बुक कभी किसी ने पूरी नहीं पढ़ी, क्लियर। मैंने ये बुक परचेस करी, वो बुक कभी किसी ने पूरी नहीं पढ़ी। बच्चों आप इतना मटेरियल लेते हो, इतनी सारी टेस्ट ले लिया, इसका टेस्ट ले लिया, उसका टेस्ट ले लिया, आपने देखा होगा जितनी भी जगह पे आप जाते हो, सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो मेंटोर है वो सबसे पहले आपसे ये बोलते हैं बेटा स्टिक टू दिस मटेरियल, आप लोग इसी मटेरियल को पढ़ो और इसी को आप बार बार रिवाइज करो, क्लियर। तो अभी हम यहाँ पे बुक्स बताएंगे, जैसे आपने देखा होगा सबसे पहली जो बुक्स होती है बच्चों, दैट इज द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, क्लियर। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, बट बच्चों ये जो जीतू सर ने पॉइंट बोला है, बहुत सारी जगह से रिसोर्सेज नहीं लेने हैं, क्लियर। आप अपने जो मेंटोर है उसके ऊपर विश्वास करो, प्लस साथ में उसके आप कॉन्टेक्ट में रहो। कॉन्टेक्ट में रहने का मतलब अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे हो आप उसको बताओ कि सर मैंने ये किया है, क्या मैं ये करूं या नहीं करूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रिपीटर्स की अभी मैं प्रॉब्लम भी बताऊंगा बच्चों, रिपीटर्स को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है। जी तो सर कंटिन्यू करें आप। नेक्स्ट वन इज एक सिर्फ सपोर्टिंग डेटा है आपके एज अ रिपीटर, कि अगर नेशनल लेवल पे अगर अपन रिपीटर्स देखते हैं बच्चों एमबीबीएस कॉलेज के अंदर, क्लियर, तो मिनिमम हर एक कॉलेज में 60-70% कितना 60-70% जो बच्चा होता है इट इज एन रिपीटर बच्चा, ध्यान रखना है इट इज एन रिपीटर बच्चा, क्लियर। तो अभी कुछ पेरेंट्स का आया है कि किसी को बात करनी है, तो डेफिनेटली आप जो नंबर आपको अभी चैट बॉक्स में डाला है उस पर आप बात करें, डेफिनेटली आज ही इस पर बात करवा दी जाएगी आप लोगों की, क्लियर। तो 60-70% जो स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में वो ड्रॉप आउट होते हैं, मींस ड्रॉप किए हुए होते हैं, ध्यान रखना है, और वो रिपीटर स्टूडेंट होते हैं। ट्वेल्थ के साथ जो सिलेक्शन होने वाले होते हैं वो 30-40% एट मैक्स ट्वेल्थ के साथ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ध्यान रखना है। नाउ टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्या क्या चीजें हैं जो पढ़ाते टाइम हमें ध्यान में रखनी है, आपको ध्यान में रखनी है, उन सबका यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी अपन स्पेसिफिक चीज पे आ रहे हैं कि अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं या नहीं भी करते हैं तो आपका इस तरीके का एक पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का, या आपके टीचर के पढ़ाने का वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न होना चाहिए। तो फर्स्ट इज योर थ्योरी नोटबुक, इट मीन जो भी पढ़ाया जाए वो प्रॉपरली आपका मेंशन होना चाहिए इनसाइड योर थ्योरी नोटबुक। द सेकेंड वन इज योर एक्सरसाइज नोटबुक, जो भी आपको शीट या रीडिंग मटेरियल लिखते हैं मिलते हैं उन शीट के सोल्यूशन, बाकायदा प्रॉपर सोल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन होना चाहिए। So that is an exercise notebook. Then the next important is your test notebook. क्योंकि सबसे पहले बच्चों आपको पढ़ाया जाएगा, आपको ज्ञान दिया जाएगा, फिर उसके बाद आप basically उसको apply करेंगे, that is inside the exercise. फिर आपका उस पे test होगा, that is your simple test notebook. अब आपके test के अंदर full out of full अगर नहीं आते, कहीं ना कहीं अपने mistake हुई, किस किस type की आपने mistake करी है,
तो उसको रूल आउट करने के लिए टेस्ट नोटबुक आप डेवलप करेंगे और हर एक टेस्ट में क्या फीलिंग आपने करी, कितना प्रेशर आपने झेला है, उसको अंडरलाइन करेंगे। फिर आपको बताया जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस में आपने मिस्टेक करी है, मींस आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है वो एनालाइज करें, क्लियर कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो कॉन्सेप्ट वापस से टीचर से पढ़ें, कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप कोशिश करें कि मैं कैलसी यूटिलाइज नहीं करूं, क्लियर। सिली मिस्टेक है, इसका मतलब अपन बहुत फास्ट या बहुत जल्दी कर रहे हैं या अपन ज्यादा टाइम नहीं दे रहे पेपर को या क्वेश्चन को और अपन फास्ट कर रहे हैं, इस टाइप की कुछ टाइप ऑफ मिस्टेक्स होती है। तो टेस्ट नोटबुक के अंदर आपको अपने टेस्ट के सारे सॉल्यूशंस बना के लिखने हैं जो आपके गलत हो गए, ध्यान रखना है। एंड द लास्ट वन इज डीपीपी नोटबुक। डीपीपी के अंदर कुछ स्पेशल टॉपिक्स होंगे जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, तो स्पेशल डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको उसमें मिला करेंगी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में, उनका भी नोटबुक आपको अलग से बनाना है। तो ये चार टाइप के नोटबुक है, ध्यान रखना है। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है विजन को, आरजे विजन को जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है आज दिए गए हुए नंबर पे, जो नंबर अभी जस्ट अभी यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, दिए गए हुए नंबर पे ये सारे नोटबुक बना के और व्हाट्सएप करें कि मैंने ये नोटबुक बना ली है, ताकि अपन उस पर वर्क करना स्टार्ट करें। और जिन्होंने नहीं बनाई है वो पूरा कंप्लीट कर लें, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो भी, अगर कोई घर पे रूरल एरिया से कोई देख रहा है, मान लो जो नहीं आ सकता ऐसे कोई एरिया से देख रहा है, तो भी इस टाइप की नोटबुक्स क्रिएट करके रख लेना है अपने पास। नेक्स्ट आते हैं अपन, किस सीक्वेंस में हमें पढ़ाई करनी चाहिए और कौन से टाइप के टेस्ट यहाँ पे हैं। तो टाइप ऑफ टेस्ट अगर अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं अब अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि किस सीक्वेंस में मुझे पढ़ना है। तो अगर सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर डिजाइनर ने हमारे ये बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। अगर ध्यान से देखें तो ये एरो है, फर्स्ट जाता है लेक्चर नोट्स, इट मीन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज इन लेक्चर नोट्स, जो भी पढ़ाया जाए उसके नोट्स क्रिएट करेंगे। देन एनसीईआरटी पैरेलल करना है, देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर एनसीईआरटी आपको पैरेलल करना है। फिर एनसीईआरटी से अगर रोटेट होते हुए अगर अपन जाते हैं तो 31 ईयर बुक आता है, इट मीन लास्ट ईयर के जितने भी पास किए पेपर्स है वो कंप्लीट करना है, क्लियर। फिर आपको शीट कंप्लीट करना है आरजे रिजन का, फिर आपको जितने भी टेस्ट पेपर्स है उनके सॉल्यूशन मेंटेन करना है, जब जाके आप कहीं नेट 2021 को क्रैक कर पाएंगे, ध्यान रखना है। तो इस सीक्वेंस में जाना होता है, पहले आपके थियोरी नोट्स हो गए, लेक्चर नोट्स हो गए, एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करनी है, 31 ईयर बुक्स है, शीट है, टेस्ट है, और फिर आप कहीं पे जाके नेट 2021 के फाइट करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे प्रॉपरली। अब यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट ये है कि फिजिक्स में भी आपको लेक्चर नोट्स के अलावा आपको टेस्ट बुक फॉलो करनी है, इस साल ऐसा देखा गया है, क्लियर। और पास्ट ईयर्स में भी ऐसा देखा गया है, काफी छोटे छोटे क्वेश्चन से जो डायरेक्टली टेस्ट बुक के डेटा बेस आए हैं, जैसे इस साल जो रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन आया था, क्लियर, वो डायरेक्टली आपका टेस्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है। 1 ग्राम के इक्विवेलेंट आपका एनर्जी कितना होता है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको टेस्ट बुक में दिया हुआ, उसी का इक्विवेलेंट आपको 0.5 ग्राम के करस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी आएगा वैसा कुछ पूछा हुआ था। फिजिक्स के इनसाइट, केमिस्ट्री बायोलॉजी के इनसाइट, काफी टाइम से ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं जो सिर्फ टेस्ट बुक के होते हैं, तो टेस्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे देखो सारा मटेरियल लिखा हुआ है, लेक्चर नोट्स जो आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तब आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी ऑलरेडी आपके पास होंगी, क्लियर, अदरवाइज आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं, हमारी 31 ईयर का बुक आपको यहाँ से मिलेगा, शीट्स आपको यहाँ से मिलेंगी, टेस्ट आपको यहाँ से मिलेंगे, क्लियर। और कुछ आपको जो भी मटेरियल हो वो प्रिंटेड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज मटेरियल होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी बुक्स हैं, क्लियर, दीज आर द प्रिंटेड ऑर्गेनाइज्ड बुक्स, ये हमारा मटेरियल है, ये बायोलॉजी, ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स, क्लियर, अलग अलग क्लास के करस्पॉन्डिंग 11th के टॉपिक्स, 12th के टॉपिक्स अलग अलग बाइफर्केटेड है। इस टाइप की 31 ईयर बुक्स आपको सॉल्ड यहाँ से मिला करेंगी, याद रखना है। ये सब मटीरियल आपको कंप्लीट करना है, थोरली कंप्लीट करना है। फिर जो टेस्ट होंगे आपके, कितने कितने टाइप के टेस्ट होंगे, तो फोर्टनाइटली टेस्ट होंगे, 15 डेज में पीरियोडिक टेस्ट है, कम्युलेटिव टेस्ट है जो कंबाइन कर करके पूछे जाएंगे, फुल कोर्स टेस्ट है जो आपके जब आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब पूछा जाएगा, फिर एक लास्ट ही लास्ट में बिफोर द 10-15 डेज ऑफ योर नेट फाइनल एग्जामिनेशन रैपिड रिविजन टेस्ट लगाया जाता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये देख लेना है आपको, दीज आर द टाइप ऑफ टेस्ट जो आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे। Now, academic planning पे आते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे 6 दिन के लिए बच्चों, 6 दिन के लिए ऑन द हैवी डिमांड ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि अभी तक हम उन्हीं बच्चों को बात कर रहे हैं जो बहुत फर्म है कि मुझे रिपीट करना है, क्लियर। काफी सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ऐसा बोल रहे हैं,
कि भाई रिजल्ट आएगा तब हम रिपीट करेंगे, जैसा बहुत सारा जंक होता है जो रिजल्ट आने के बाद रिपीट कर रहा होता है, बट रिजल्ट ऑलरेडी वैसे दिमाग में आ ही गया है, तो अगर अपन चाहें तो अभी से रिपीट करना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ अर्ली स्टार्टर्स होते हैं जिनके नेक्स्ट ईयर रैंक्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, वो अभी से स्टार्ट कर देते हैं, तो काफी प्रेशर था हमारे ऊपर कि अभी से आप रिपीटेड बैच स्टार्ट कर दो, तो हमने स्टार्ट कर दिया है। अब इसको देखें तो यहाँ पे अपन ने कुछ फ्री और पेड क्लासेस में डिवाइड किया है। जो फ्री क्लासेस है वो 6 दिन तक फ्री है, ध्यान रखना, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ गुजरात, फॉर गुजराती मीडियम ऑल्सो एंड फॉर इंग्लिश मीडियम ऑल्सो, दोनों बच्चों के लिए, क्लियर, दोनों बच्चों के लिए फ्री क्लासेस है 6 डेज की, जो कल से आपका स्टार्ट होने वाला है। 4 डेज लाइव क्लासेस होंगी 2 बजे से लेके 5 बजे तक शाम को, और 2 दिन आपके रिकॉर्डेड क्लास होंगे 2 बजे से 5 बजे तक, क्लियर। तो 6 दिन जो आपका है फ्री क्लास जो है, उसमें 4 दिन आपके लाइव है और 2 दिन आपके रिकॉर्डेड क्लासेस है, फिर उन्हीं के आपके ऑनलाइन डाउट सेशंस रखे हुए हैं। ये जितने भी फ्री क्लासेस हैं, अब कुछ पेरेंट्स का होता है सर ये देखने को कहां पे मिलेंगी, तो आप अभी जिस चैनल पे देख रहे हैं हमें उसी चैनल पे मिलेगा, डॉक्टर राजीव विजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो वैसे आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाल सर गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एड्रेस करें गुजराती में, क्लियर। तो स्टूडेंट्स तमने जे रीते जीतू सर बात कही है, तेरी ते फरी थी तो तमने गुजराती मीडियम ना जे स्टूडेंटो छे लोकोने समझाई रहू छु गुजराती मा के आपणे 6 दिवस माटे फ्री क्लास राखेला छे। तो 2 ઓક્ટોબર થી બરાબર ગાંધી જયંતી ના દિવસે આપણે ફ્રી ક્લાસ શરૂ થઈ જશે આપડા, એના માટે 4 દિવસ તમને ફ્રી લાઈવ ક્લાસ છે, એટલે 4 દિવસ તમારે બપોરના 2 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી અને બાયોલોજી એટલે કે આપણે વાત કરીએ ભૌતિક વિજ્ઞાન રસાયણ વિજ્ઞાન અને જીવ વિજ્ઞાનની, તો 2 થી 3, 3 થી 4 અને 4 થી 5 તો તમારે લાઈવ ક્લાસ રહેશે, અને 2 દિવસ તમારે રેકોર્ડેડ ક્લાસ લાગશે 2 થી 3, 3 થી 4 અને 4 થી 5, અને એ દરમિયાન આપણે લોકોના લાઈવ ડાઉટ સેશન્સ પણ લઈશું, તો જે પણ સ્ટુડન્ટ્સોને લાઈવ ક્લાસનો ડાઉટ હોય તો તમે લાઈવ ક્લાસમાં ડાઉટ પણ પૂછી શકો છો, અને તદ ઉપરાંત આ બધું જેમ કીધું જીતું સર તમને કઈ જોવા મળશે તો તમને એ બધું જ ડોક્ટર રાજીવ વિજયની યુટ્યુબ ચેનલ પર તમે જોવા મળશે, તો તમે યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો અને ખાસ કરીને બેલ આઇકોન દબાવવાનું ના ભૂલશો, તો તમને બધી નોટિફિકેશન પણ મળશે। થેન્ક યુ। તો નેક્સ્ટ આતા હૈ કે યે જો ફ્રી સેશન્સ હૈ યે આપ જોઇન કૈસે કરેંગે યાદ રખના હૈ, ક્યોંકિ આજ ભી જો સેશન હો રહા હૈ વો આપકો લિંક મિલા કરેગા તભી આપ સેશન કો જોઇન કર પાએંગે, विदाउट लिंक आप सेशन ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आज का जो सेशन था इट्स एन फ्री सेशन, बट वो भी फ्री सेशन होगा, बट आपको डायरेक्टली लाइव दिखेगा नहीं, बट जब आप हम आपको लिंक देंगे तो ही आपको दिखाई देगा, ध्यान रखना है। उसके लिए करना क्या है आपको, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आपको मोबाइल नंबर आपका, एक आपका ईमेल एड्रेस और एक आपका 12th का मार्कशीट का फोटोकॉपी, फोटो आपको लेना है, और 9081225566, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9081225566, इस नंबर पे आपको ये 3 चीजें मैसेज कर देनी है। ये 3 चीजें जिस पे भी मैसेज होंगी इस नंबर पे, इसी नंबर से आपको इन तीनों जगह पे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे और आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका विदाउट एनी फीस ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, क्लियर। और उसी लिंक पे आगे जाके हम लोग आपको ऐप देने वाले हैं, उस ऐप के अंदर रिकॉर्डेड वीडियोज होंगे, रिकॉर्डेड आपके मटेरियल होगा आपके पास ऑनलाइन, आप जिसको आप रीड कर पाएंगे, और ऑनलाइन फर्दर कैसे जाना है तो ऐप के थ्रू जाएंगे, अभी हम जो जा रहे हैं दैट इज थ्रू द यूट्यूब चैनल, बट ये सिर्फ फ्री वालों के लिए है, और जैसे ही आप लोगों ने जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया उनको एप्लीकेशन मिलेगा, आरजे विजन का ऐप मिलेगा, वीजी का ऐप मिलेगा, वो एप्लीकेशन के थ्रू आप जाएंगे तभी आपको लाइव और बाकी सब चीजें मिलेंगी, ध्यान रखना है, क्लियर। तो अभी सिर्फ अपन डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आपको 6 दिन फ्री पढ़ना है तो आप अपना मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आपकी 12th की मार्कशीट आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देनी है, तो आपको फ्री सेशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। और जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है उन बच्चों के लिए अलग से हम लोग लिंक देने वाले हैं, उस लिंक से आपको अपना आरजे विजन का और वीजी का ऐप डाउनलोड कर लेना है, और फिर कैसे वर्क करेंगे वो यहाँ से आपको टेक्निकल असिस्टेंट मिलेगा,
नेक्स्ट वन इज द पेरेंट्स रोल. अब इस पूरी कहानी में पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. क्लियर? तो बेसिकली कुछ एक पेरेंट्स है जिन्होंने काफी बार ऐसा डिस्कशन किया है कि 33% आपका डिवाइड होता है, 30-40% पेरेंट्स संभालते हैं, 30-40% स्टूडेंट संभालता है, 30-40% टीचर संभालते हैं, तब जाके कहीं पे रिजल्ट क्रिएट होता है. तो पेरेंट्स के लिए है बी सपोर्टिव. क्लियर? मॉनिटर योर चाइल्ड प्रोग्रेस प्रॉपरली. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि बच्चे के तो 400 या 300 के लगभग का बच्चा है, मैं 600 की डिमांड करूं, ओवर प्रेशराइज कर दूं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए. हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको मेंटेन करवानी है बच्चों को. इंस्पायर एवरी मोमेंट, आप उसको बूस्टअप करते रहे. क्लियर? ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करता रहे. कम्युनिकेट प्रॉपरली एंड रेगुलरली एट द इंस्टीट्यूट. प्रॉपरली आपको कम्युनिकेट करना है. नंबर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे. क्लियर? एंड डू नॉट यूज एनी स्टडी मटेरियल विदाउट कंसर्न ऑफ फैकल्टीज. ये वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जस्ट अभी आपको पहले भी डिस्कस किया था. कोई भी किताब उठाए, कोई भी मटेरियल उठाए, उससे पहले आप अपनी फैकल्टी से, अपने मेंटर्स से कंसल्ट कर लेना है कि मुझे इस चीज पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका पेरेंट्स खासकर ध्यान रखेंगे. इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बिना बताए इंस्टीट्यूट को दूसरी चीजें ले लेके उनको देते रहते हैं, बाद में जाके उनका रिजल्ट खराब होता है. तो आप किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लें और फिर उसके बाद डिस्कस करके ही किसी चीज को बच्चे को हैंडओवर करना है, ध्यान रखना है. बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब क्योंकि अपन ने बहुत सारा आपको जीतू सर ने बताया, बहुत तरीके से समझाया, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर मेरा नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मैं नीट में कैसे क्रैक करूंगा, नीट में कैसे पास होऊंगा. ये हर बच्चे का वो होता है. बच्चों इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सिलेक्शन का कोई रॉकेट साइंस नहीं. मैं आपको बता दूं, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी. अगर मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को अगर लिमिटेड सीट्स में लेना है बच्चों एडमिशन, तो मुझे फाइनली स्टडी करना ही पड़ेगा. जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ इतना सा पढ़ लूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला. क्लियर? कॉम्पिटिशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. आप लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी. फिजिक्स के अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, टीचर के कंसेप्ट समझने पड़ेंगे. बायोलॉजी में बहुत सारा पोर्शन जो रटाफिकेशन का है वो करना पड़ेगा. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रटाफिकेशन है वो करना पड़ेगा. तो आप ये मत सोचना बच्चों की बस जैसा सर बोलेंगे वो करना है. लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो करते नहीं है और उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ. तो बच्चों ये कुछ नहीं होता जब तक आप मेहनत नहीं करोगे. थॉमस एल्वा एडिसन ने बोला था बच्चों, अगर आपको पता हो तो, व्हाट इज सक्सेस, द सक्सेस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% प्रेस्पिरेशन. मतलब आप इंस्पायर्ड हो, आप ड्रीम देखो, आप सब कुछ सोचो, आपको लगना चाहिए हाँ मैंने इतना बड़ा ड्रीम देखा. ड्रीम देखना गलत नहीं है बच्चों, मन का विचार है. ये मन है वो ड्रीम देखेगा, आप नहीं चाहोगे तो भी देखेगा. बट उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी. मेहनत करने का मतलब आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको बार बार उन्हें रिपीट करना पड़ेगा, आपको टेस्ट पेपर देने पड़ेंगे. और ये बच्चों, कुछ बच्चे होते हैं सर मैंने तैयारी नहीं करी तो मैं तो टेस्ट नहीं दूंगा. तो बच्चों ये नहीं करना आपको, इन चीजों के लिए नहीं डरना है आपको. क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, तैयारी नहीं करी, आज टेस्ट नहीं दिया, फिर वो चीजें आपके ऊपर पाइल अप हो जाएगी, फिर आपने दूसरा टेस्ट नहीं दिया, फिर चीजें पाइल अप हो जाएगी, फिर आपने तीसरा टेस्ट नहीं दिया, फिर चीजें पाइल अप हो जाएगी. कभी कोई लेक्चर नहीं देखा, सर मैंने तो लाइव लेक्चर मिस कर दिया, मैंने कभी ये लेक्चर मिस कर दिया. बच्चों इस तरीके से चीजें नहीं चलने वाली है. तो यहाँ पे जितने भी जने इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबको बता देता हूँ, सक्सेस की कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगेन लिसन, सक्सेस का कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों. बहुत सिंपल फंडा है, आपको उसके लिए अपना टाइम देना पड़ेगा, अपना दिमाग देना पड़ेगा, बार बार उन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप सिंपल हो गए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होने वाला. एक बार पढ़ने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता. कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, सर मैंने तो आपसे पढ़ा था फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ. बच्चों सारे ही जने हमसे पढ़ते हैं, फिर भी कुछ बच्चों के सिलेक्शन हो जाते हैं और कुछ बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते. द रीजन इज दैट कि कहीं ना कहीं पे टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, पेरेंट्स ने उसको बहुत सारी बुक्स दे दी, बहुत अच्छे स्कूल से वो पढ़ के निकला है, सारी चीजें बहुत सारी उसके साथ है, स्टिल उसका सिलेक्शन नहीं हुआ. क्योंकि फाइनली स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है, फाइनली स्टूडेंट को एग्जाम में अपीयर होना है, फाइनली स्टूडेंट को एग्जाम देना है. सो अल्टीमेटली जो ब्रेन वर्क करना चाहिए, जो माइंड वर्क करना चाहिए, जो मेहनत करनी चाहिए, वो फाइनली स्टूडेंट को करनी पड़ेगी. पेरेंट्स बोल देंगे बच्चों तो भी अगर बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, वो किताबें लेके बैठ गया, अभी रिपीट जो कर रहे हैं उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो क्या आएगी, रिपीट करने वालों के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है. मैं बताऊं आपको बच्चों,
आप लोग जो पुराना पढ़ लेते हो ना, बार बार उसी को रिवाइज करते हो। सो डेफिनेटली इसको आप नए सिरे से चालू करो। क्लियर? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि शायद कुछ इस पे मैसेज आ रहा है, लाइव बात करनी है सर। बिल्कुल अपन कोशिश करेंगे उस चीज के लिए, मैं मना नहीं कर रहा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अल्टीमेटली बच्चों सक्सेस के लिए क्या करना है, यू हैव टू स्टडी हार्ड। आपको स्टडी करनी है, हार्ड करने का मतलब ज्यादा करनी है, अच्छे से करनी है। जो भी सर ने ऑर्गेनाइज आपको बताया किस तरीके से वर्कआउट करना है, आपको उस तरीके से वर्कआउट करना है। जितने भी बच्चों ने हमें ज्वाइन कर लिया है उनके कल से क्लासेस चालू हो जाएंगे, मैं बता देता हूँ। फिर जिन भी बच्चों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, द क्लासेस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 2nd of October। क्लियर? क्योंकि बच्चों सिर्फ 6 महीने बचे हैं, 6 महीने के बाद 1 महीने में वापस एग्जाम, 1 महीने वापस आप फुल सिलेबस के एग्जाम्स दोगे और उसके बाद फिर टेस्ट होगा नेक्स्ट ईयर का। क्लियर? तो 6 महीने एक तरीके से अगर अपन देखने जाए तो वैसे बहुत बड़ा टाइम है, बट एस सच अगर अपन देखने जाए तो जनरली रिपीटर बैच पहले चालू हो जाता था, बट अभी सिर्फ वी हैव ओनली 6 months। सो 6 months के लिए आपके पास एक टारगेट प्लान होना चाहिए एंड यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट टारगेट प्लान टू क्रैक नेट 2021। क्लियर? सो जितने भी बच्चे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करो बच्चों, और कल से जिन्होंने भी ज्वाइन करना है, जैसा जिन्होंने मैंने बताया, जो भी आपको लाइव क्लासेस देखनी है बच्चों वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल होगी। क्लियर? सो आप लोग वर्कआउट कर सकते हो बच्चों। फ्रॉम आर एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेट 2021। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, हम आपको राजीव सर, जीतू सर ने सब समझा ही लिया है, ठीक है? तो अब लास्ट में हम हमारा रिजल्ट्स बताना चाहेंगे आपको। ये लास्ट ईयर के रिजल्ट से अपने मोर देन 400 स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइड इन द नीट्स एग्जाम एंड 275 प्लस स्टूडेंट्स आर एडमिशन फॉर MBBS, है ना? तो बच्चों 275 से स्टूडेंट्स से भी ज्यादा स्टूडेंट्स है जिन लोगों ने MBBS में एडमिशन लिया हुआ है। हम आयुर्वेदिक की भी बात नहीं कर रहे, होम्योपैथी डेंटल किसी की बात अभी नहीं हो रही है, वो बच्चों को तो मिला ही एडमिशन। बट 275 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स है सिर्फ MBBS में ही एडमिशन मिला था इन लोगों को, ठीक है? फिर ये लास्ट ईयर का अगर रिजल्ट है तो ये प्रिया चौकसी है बड़ौदा मेडिकल कॉलेज और स्कोर देखो उसका 643। त्यार पछी बात करिए तो नीट रिजल्ट में ध्रुव शाहकारी ने स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स आ स्टूडेंट हतो जे आणंद थी अपडाउन्स करतो तो आजूबाजू ना जे रूरल एरिया ना छे ए स्टूडेंटो पण आपणे त्यां आगळ जॉइन थाय छे, जेम के आणंद छे, नडियाद छे, भरूच छे, अंकलेश्वर छे, गोधरा, हालोल, कालोल, इवन लुणावाडा अने दाहोद, गोधरा थी पण आवा स्टूडेंटो अहींया आगळ जॉइन थाय छे, राइट? तो एनो पण स्कोर हतो 637 637 માર્ક્સ એના આવ્યા હતા નીટ્સ માં। देन उर्विश जैन 635 છે બરોડા મેડિકલ કોલેજ પણ એને મળી હતી, અને આ બીજા બધા સ્ટુડન્ટ છે જેમને એમ્સ જોધપુર છે, હર્ષી જોબન પુત્રા માટે ડીએલપી ની સ્ટુડન્ટ્સ હતી, નૈસર્ગિક ભટ્ટ બીજે મેડિકલ કોલેજ, વૈભવ ઠક્કર, અનુશ્રી પરીખ, ધેટા, જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ છે બધાને અહીંયા આગળ બીજે અને બરોડા મેડિકલ કોલેજ મળી હતી, જે દરેક સ્ટુડન્ટ નું ગુજરાત નું ડ્રીમ હોય છે કે મારે આ કોલેજ માં ભણવા જવું છે। દેન અગેન આ બધા ગવર્મેન્ટ મેડિકલ કોલેજ ના સ્ટુડન્ટ છે કે જે લોકોને ગવર્મેન્ટ મેડિકલ કોલેજ મળી હતી લાસ્ટ ઇયર। નીટ 2018 ના સ્ટુડન્ટ એમાં પણ પ્રિયા રાણા કરીને સ્ટુડન્ટ હતી અને બરોડા મેડિકલ કોલેજ હશે અને KVPY માં પણ 1298 રેન્ક હતી અને ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક એની 400 હતી। નીલય પટેલ, યસ, 2018 માં સર જે ગુજરાતી મીડિયમ ના સ્ટુડન્ટ છે, ધ્યાન રાખે કે 2018 માં ગુજરાત માં એની ફર્સ્ટ રેન્ક હતી, રાઈટ? કે ગુજરાતી માધ્યમ માં એની ફર્સ્ટ રેન્ક આવી હતી ઓલ ઓવર ગુજરાત માં અને અત્યારે બરોડા મેડિકલ કોલેજ માં સ્ટુડન્ટ ભણે છે। ત્યાર પછી છે મુસ્કાન શેખ, એ પણ ફર્સ્ટ રેન્ક ઇન ગુજરાત એટલે કે ફિઝિકલ હેન્ડીકેપ હતી, તો એની કેટેગરીમાં આ સ્ટુડન્ટ નો ફર્સ્ટ રેન્ક આવ્યો હતો। ધેન અગેન ધીઝ આર ધ અવર ટોપર્સ બરોડા મેડિકલ કોલેજ અગેન, અને આ ગુજરાતી માધ્યમના જ વિદ્યાર્થીઓ છે કે જે લોકોને બરોડા મેડિકલ કોલેજ, બરોડા મેડિકલ કોલેજ, બીજે મેડિકલ કોલેજ, બરોડા મેડિકલ કોલેજ, ગવર્મેન્ટ મેડિકલ કોલેજ સુરત, આ બધી જગ્યાએ અમને એડમિશન્સ મળેલા હતા ગુજરાતી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓ છે। एट लास्ट अपन वापस एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे कोर्स को आपको कैसे ज्वाइन करना है यहाँ पे। क्लियर?
ध्यान रखना है टू अवेल द फ्री कोचिंग, क्लियर, आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपके 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी 9081225566 पे सेंड कर देनी है। जैसे आप सेंड करेंगे तो हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे, आपको लिंक आएगा जिसपे की यहाँ पे फ्री क्लासेस लग रही होंगी, ध्यान रखना है बच्चों, क्लियर। तो तब तक के लिए, और ये जब जितने भी क्लासेस हैं आपकी वो सिर्फ 6 दिन के लिए फ्री है, स्टार्ट फ्रॉम द 2nd October 2020 गांधी जयंती पे हम लोगों ने इसका इनॉग्रेशन लगाया है, तो गांधी जयंती से हम लोग इसको पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से ध्यान रखना है, 4 दिन आपके लाइव क्लासेस होंगे 2 से 5 बजे तक, और 2 दिन आपके रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, और इन्हीं सब चीजों के आपके लाइव डाउट सेशंस भी रखा करेंगे, ध्यान रखना है। कहाँ पे मिलेगा, तो डॉक्टर राजीव विजय यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना है, इन्हीं इसी चैनल के ऊपर ये सारी क्लासेस आपको फ्री मिल सकती है, और इसको आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि किस टाइप से आपको पढ़ना है, आप ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाई कर सकते हैं, क्लियर। तो अपने ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और 12th का मार्कशीट इस नंबर पे सेंड करें और फ्री क्लासेस को अवेल करें। थैंक यू सो मच।